कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक न्यू एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन सी है? इज एंड आर। यस, इज एंड आर, इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है वो आपको समझाया जाएगा, तो बहुत केयरफुली समझिएगा। इसका यूज किया जाता है सिंगल चीज के लिए, ओके? जब कोई चीज सिंगल होती है, मतलब वन होती है। एंड आर का यूज किया जाता है जब कोई चीज मोर देन वन होती है। तो अब मैं आपसे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी बुक है। तो यहाँ पे जो ये बुक है, ये कितनी है, वन और टू? वन है या फिर मोर देन वन है? यहाँ पर वन है ना, तो यहाँ पर है दिस डैश अ बुक। तो यहाँ पे अगर वन बुक है तो क्या आएगा यहाँ पर? इज। यस, दिस इज अ बुक। देन यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे ट्रीज है, तो ट्रीज कितने हैं? वन है या फिर मोर देन वन है? यहाँ पर कितने ट्री है? वन, टू एंड थ्री। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? दीज डैश ट्रीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दीज आर ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज है वो मोर देन वन है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं, ये प्लेयर्स हैं। तो ये कितने प्लेयर्स हैं? वन है या फिर मोर देन वन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है दे डैश प्लेयर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन है, दे आर प्लेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यहाँ पर कितनी गर्ल है? वन है या फिर टू है? यहाँ पर वन गर्ल है। यस, yes। तो वन के लिए क्या आता है? इज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? शी इज अ गर्ल। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, ये आपस में फ्रेंड्स है, है ना? तो यहाँ पे कितने फ्रेंड्स है? वन, टू एंड थ्री, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी आर फ्रेंड्स। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कलरफुल और बहुत प्यारे प्यारे हर्ट्स है, है ना? तो कितने हर्ट्स है यहाँ पे? वन है या मोर देन वन है? यहाँ पे थ्री हर्ट्स है, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन है दोज डैश हर्ट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, दोज आर हर्ट्स। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी यहाँ पे टॉय कार है, है ना? ये कार वन है या मोर देन वन है? वन है। यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इट डैश अ टॉय कार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज अ टॉय कार। सो दैट्स अबाउट दिस एक्सरसाइज। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान रखिएगा कि इज और आर का यूज कहाँ पे किया जाता है। इसका यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज सिंगल होती है, वन होती है। और आर का यूज कब किया जाता है? जब भी कोई चीज मोर देन वन होती है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।